नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। आंगनबाड़ी केंद्र ललोई में एक महीने से नहीं बंट रहा है बच्चों को भोजन, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। जी हां, एक और सरकार बच्चों के प्रति जागरूकता की बात करती है, जन्म से ही कई योजनाएं चलाती है कि बच्चे स्वस्थ बने रहें, कुपोषित ना हो। दूसरी तरफ सरकार द्वारा ही चलाई जा रही योजनाओं की धज्जियां कुछ अधिकारी कर्मचारी उड़ा रहे हैं। ताजा मामला गंज बासोदा ग्रामीण परियोजना विभाग का आया है, जहां केंद्र ललोई पर नन्हे मुन्ने बच्चों को ना तो एक महीने से पौष्टिक आहार मिल रहा है, ना ही महिलाओं के लिए बांटने वाली मेडिकल किट एक वर्ष से केंद्र पर उपलब्ध है। केंद्र की कार्यकर्ता रजनी श्रीवास्तव ने बताया कि अब तो THRV खत्म हो गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा की जिम्मेदारी कोई अधिकारी लेने को तैयार नहीं। इस मामले को लेकर इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से बात की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। वो अभी बरसात में ही गल गई थी, तो उसके पहले तो मिलती थी, बरसात में गल गई थी, इस वजह से बांटी नहीं थी। कितनी गल गई थी? पूरे गल गए थे। तब कहीं नहीं भेजी उन्होंने? कहीं नहीं, कोई नहीं ले गया। हाँ, सत्तू अभी 8 दिन पहले ही हमने बांटा था, मंगलवार को पैकेट। आंगनबाड़ी केंद्र ललोई पर ये जो शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर खाना नाश्ता विगत एक माह से नहीं बढ़ रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे। हमने आज ही पहले कार्यकर्ता से रजिस्टर मंगवाए हैं, उनके रजिस्टर में पूर्णतः जांच की जाएगी कि कितने बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, एवं पूर्व के सांझा चूल्हा के देयकों से उनका मिलान किया जाएगा कि कितने बच्चों को खाना नाश्ता बांटा जा रहा है और किस प्रकार उनका भुगतान किया जा रहा है। क्यों, क्या कारण रहा? किट हमारे द्वारा सही समय पर भेज दी गई थी, उसमें अभी हम पता करेंगे कि किसकी लापरवाही के कारण किट खराब हुई है। बाकी इस वर्ष की भी किट हमें अभी 1 हफ्ते पहले ही उपलब्ध हुई है, जो आगामी 3-4 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँच जाएगी।